की मैंने एग वाइट ले लिए, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब आइस डालना होगा तकरीबन एक बॉल। आइस डालने का मकसद है चीनी को इसको ठंडा करना, जितना ये ठंडा होगा उतना ये फलफी होगा, उतना ये तैर के ऊपर आएगा, जब पकेगा तो बड़ी आसानी से इसको फूल ठंडा करके आइस करके आपको इसको अच्छी तरह विस कर लेना है, इसको मल लेना है, बल्कि फोम बना लेना है इसका। देन आपने इसके अंदर स्टॉक डालना है और चढ़ा देना चीनी। देखिए इसको ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने, बहुत अच्छी तरह और ठंडा कर लेना है इसको। देन आपने इसके अंदर स्टॉक डाल के चूल्हे को चढ़ा चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देना है। अच्छा, कीमे को आइस डाल के हमने बिल्कुल मिक्स कर लिया इस तरह, ठीक है, क्रीमी बना लिया। और हमारे पास ये बीफ का स्टॉक भी रेडी है जो मिक्सा करके रखा, और बीफ का स्टॉक भी यूज़ करना है इसके अंदर, चिकन का या कोई और स्टॉक इसके अंदर आपने यूज़ नहीं करना। सबसे पहले आप कीमे को चूल्हे पर रखते हैं हम लोग ऐसे, और ये जो स्टॉक है इसके अंदर यूँ डालते हैं आप। और इसको बर्नर को थोड़ा तेज रखने, जब इसका बबलिंग शुरू हो जाए, इसका बॉइलिंग के नज़दीक पहुंच जाए तो आपने इसको बिल्कुल स्लो कर देना है, फिर सिमरिंग स्टेज के ऊपर छोड़ देना है। हल्की सी बबलिंग नहीं कर रही हो, यहाँ एक जगह से निकल रहा हो ना, कि वो पूरे का पूरा बॉयल हो रहा हो। स्लो हीट पे पकेगा, 3 से 4 घंटे पकेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अच्छा, सूप को हमने चढ़ा दिया पकने के लिए, उबलने के लिए। तब तक कर लेते हैं प्याज, 3 से 4 प्याज लेने हैं आपने, इनको बीच में से कट कर लेना ऐसे यूँ, और इसको ग्रिल पे लगा देना है ब्राउन होने के लिए, जलने के लिए, बर्न होने के लिए। 3 प्याज लूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा कीमा नहीं है, 1 kg का बना रहे हैं हम, इसको हम ग्रिल कर लेते हैं। प्याज कैसे काट रहे हैं, ये लगा देना है इसके ऊपर ग्रिल के ऊपर। कुछ नहीं डालना आपने, कोई ऑयल और वगैरह कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पे आपने ब्लैक कर लेना है, उनको जला लेना है। जब जल जाएंगे हम आपको दिखाएंगे कैसे चलेंगे, उनको जला के फिर हमने कंसूमी को हमेशा प्याज के साथ कलर दिया जाता है, उसका जो कलर होता है प्याज के साथ बनता है और उसके बीफ के साथ बनता है। इसको टॉप के ऊपर लगाएंगे पकते हुए के ऊपर, वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे लगता है। चलते हैं किचन की तरफ। अच्छा, कंसूमी सूप के पकाते वक्त इसके टेम्परेचर का बहुत ख्याल करना है आपने, इसको सिमरिंग पे छोड़ना है। अभी इस पे आ जाएं, ये बिल्कुल स्लो हीट रखनी है, और ये देखें इस तरीके से वो निकल रहा हो कंसूमी आपका, ना कि ये सारा ऊपर ऊपर रहा हो। तो अब लगा स्टेज आ गई है कि इसके ऊपर जो हमने प्याज को जलाया है, ब्राउन किया है, वो इसके ऊपर लगाते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं। ये प्याज इस तरह ब्लैक कर लेने हम नीचे से, ये हो गए, ये अभी लगाते हैं इसके ऊपर जाके, जहाँ जहाँ से ये सूप निकल रहा है वहाँ वहाँ पे हम ये प्याज इसको लगा देंगे। बड़े आराम से रखने हैं, प्यार से रखने हैं इसको, ये इस तरह इसको छोड़ देना है। मज़ीद इसको 1 घंटा तक 1.5 घंटा तक पका लेना है, तो हमारा कंसूमी तैयार होगा। जब तक कंसूमी पक रहा है हम बताते हैं कि कंसूमी रॉयल कैसे बनना है, जो इसको गार्निश के तौर पे दिया जाता है इसके अंदर डाल के, कंसूमी रॉयल की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं कंसूमी रॉयल बना रहा हूँ, कंसूमी की जो देना है हमने गार्निश के तौर पर डाल के देना है इसको। इसके लिए मैंने 3 से 4 एग की एग वाइट ली है, इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और तकरीबन 50 ml जो है इसके अंदर क्रीम डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यूँ, और मिक्स करके इसको पैन के अंदर हमने डाल देना है और इसको पका लेना है। अच्छा, ये डबल पैन में बनता है, आपने एक पैन रखा हुआ इसके अंदर पानी डाला है, दूसरा पैन आपने इसके अंदर यूँ रख दिया, और ये आपने जो मिक्सर है इसके अंदर डालना है और इसको ओवन के अंदर लगा देना है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाएंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। शेफ, ये ओवन में लगा दें प्लीज़। चलते हैं अगेन सूप की तरफ। सूप जब तक तैयार होता है, रॉयल भी पकता है, तो आप प्रेजेंटेशन कर लेंगे। जी, मैं हूँ अजीम खान, हमेशा की तरह एक लीडर के साथ। जैसा कि आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों की चाहत है, और मेरा मुझे भी शौक था कि आप लोगों को कंसूमी सिखाया जाए, कि कंसूमी पाकिस्तान के अंदर हाई शेफ को बनाना नहीं आता, क्योंकि कंसूमी बनता भी बहुत रेयर है। हर रेस्टोरेंट के अंदर कंसूमी बनता ही नहीं है, हर होटल के अंदर कंसूमी बनता ही नहीं है, कंसूमी बनता है सिर्फ और सिर्फ 5-star होटल्स के अंदर। तो आज मैं बताऊँगा कि कंसूमी और जो किंग ऑफ सूप है
पाकिस्तान के अंदर सूप, बल्कि मैं कहूँगा कि नेचुरली सूप जो दो ही हैं पीने के मिलते, एक मलरानी सूप और दूसरा कंसूमी सूप। बीफ कंसूमी का तरीका यह है कि आज मैं एक केजी का मेथड आपको बता रहा हूँ। मैंने बीफ लिया, ये देखिए रेड बीफ है, बिल्कुल बीफ मिल्स एक केजी। इसके अंदर हम डालेंगे मैरीकुआ। मैरीकुआ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आप मेरी रेसिपी चेक कर लें, सारी रेसिपी पीछे देखें, आपको पता चलेगा मैरीकुआ क्या है। कटिंग इसका बनाने का तरीका मैंने अपने YouTube चैनल पे दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है मैरीकुआ। मैरीकुआ इसके अंदर डालते हैं तकरीबन हाफ के हाफ के जी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर इसमें अंदर डालूंगा मैं तकरीबन 10 ग्राम क्लोव, लौंग भी कहते हैं जिसको, ये 10-15 थाइम इसके अंदर। अगर आपके पास फ्रेश है थाइम तो वेरी गुड, फ्रेश भी अपनी बात है, फ्रेश हो तो बेस्ट है, अगर फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर ये चीज़ें डाल दी हमने, एंड देन बेलीफ भी 3 से 4 बेलीफ डाल रहा हूँ इसके अंदर। अब बारी है एग की। एग को बनाने का तरीका, एक तरीका कार इसका ये है एग को डालने का, अगर एग को छिलके समेत इसके अंदर ही तोड़ देते हैं, जो ओल्ड स्टाइल है, फेमस स्टाइल है, जो पुराने शेफ फ्रेंच स्टाइल शेफ को तैयार करते थे वो इस तरह करते थे। लेकिन हम इसकी यूज़ करेंगे एग वाइट यूज़ करेंगे। 3 से 4 अंडों की एग वाइट मैं निकालता हूँ और वो भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। सूप आपका पक चुका है, अब इसको स्टेन करते हैं और सर्व करते हैं। इसको बिल्कुल यहाँ से आराम से यहाँ से निकालना है, ये गोल्डन कलर का बिल्कुल। इसको डबल चीज क्लॉथ के साथ इसको स्टेन कर रहे हैं और ये कैसे। अच्छा, इसको स्टेन करके सिर्फ और सिर्फ आपने सॉल्ट का टेस्ट देना है इसको, और कोई चीज़ नहीं डालनी। सूप आपका बिल्कुल रेडी है, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको प्लेट में आउट करता हूँ, बिल्कुल क्लियर शीशे की तरह देखें, शाइनिंग इसकी ये। और इसको मैं सर्व कर रहा हूँ रॉयल के साथ, रॉयल बना के रखा हुआ पहले ये। आप इसको वेजिटेबल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको पफ पेस्ट्री के साथ भी सर्व करते हैं। मैं कंसूमी के साथ रॉयल दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। कंसूमी की आपको समझ आ गई होगी कितना इजी है बनाना, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन कंसूमी जेन्युइन रेसिपी मैंने आपको बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अजीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।